दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वो ही सरदार आलम है, वो ही गमख्वार उम्मत है, वो ही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है, वो ही सरदार आलम है, वो ही गमख्वार उम्मत है, वो ही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा, ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक इन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? तो मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं इस वक्त और ईद की नमाज का टाइम है 7:45 बजे। अभी जाएंगे यहाँ से, जाएंगे यहाँ से, जाएंगे तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। भूख बहुत लगी है, नाश्ता नहीं किया। तो ये मस्जिद है, यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। फेज़ 1 मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ ईद हो चुकी है, नाश्ता भी कर लिया है, तो अभी घर से बाहर निकला हूँ, लेकिन यहाँ पर पता ही लग रहा कि ईद का दिन है क्योंकि सड़कों पे कोई नहीं है, खाली खाली सड़कें हैं। सारे गांव चले जाते हैं ईद के दिनों में, तो मार्केट भी सामने सारी बंद है, सुपर मार्केट। ग्यारह बजे और एक आ चुकी है, चावल तकसीम करेंगे ईद वाले दिन। ये देख आ गई है चावलों की, तो इस चावलों को तकसीम किया जाएगा आसपास पड़ोस में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी तरह चावल को तकसीम किया जाता है ईद उल फितर वाले दिन। और ये है मोहम्मद मुज्तबा, मेरे कजन का बेटा। ये है सैयद रजाउल्लाह, मेरा कजन मोहम्मद हंजला। जी जी, इस वक्त जा रहे हैं, चावलों को तकसीम कर रहे हैं। बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्टी की हुई है, चिप्स को मिक्स किया हुआ है, तो
यूसुफ की तबीयत ख़राब है, उल्टी आँख रहा है, तो अभी घर से काल आई थी तो ये दवाई उठा ली है। ये है ग्रेविनेट सीरम उठाया है और इस वक्त घर की तरफ जा रहा हूँ। माशाल्लाह यूसुफ के ईद के कपड़े और सुबह वाले कपड़े मैं नहीं दिखा सका क्योंकि उस टाइम ये मुझे मिला नहीं। ओए ओए ना, और मौसम देख कितना प्यारा हो गया है, काले बादल आ चुके। माशाल्लाह मौसम चेक करें, आज है ईद का पहला दिन और बादल चेक करें, माशाल्लाह बारिश आने लगी है, हवा भी चल रही है साथ, सामने माशाल्लाह बारिश हो रही है, वो काले काले बादल हैं। तो यह है सरकारी ट्यूबवेल, तो यहाँ से भी पानी भरेंगे घर के लिए। अभी मार्केट आए हुए हैं और इस फ्रेश जूस वाले पे नज़र पड़ी है, तो यहाँ से अभी जूस पीते हैं और देखते हैं कि किस तरह का है ये जूस। दो फ्लेवर का इस वक्त वो पीते हैं, इनके पास एक पाइनएप्पल होगा और एक एप्पल होगा, इस तरह कुछ लग रहा है। अभी पार्क आ गए हैं और इस जूस को पार्क में बैठ कर पीते हैं। अलहमद असर अदा कर दी है और आज है ईद का पहला रोज और ये सामने सनसेट चेक कर मेरे पीछे, क्या कमाल का सनसेट आ रहा है माशाल्लाह। तो ये जमरोत के पहाड़ें, ये सामने जो है बॉर्डर है अफगानिस्तान का, और ये क्या सनसेट माशाल्लाह सामने हो रहा है। इस वीला को यहाँ ब्रेड करने लगा हूँ, तो वीला को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।